इतना ज्यादा सैंडस्टॉर्म तो मैंने लाइफ में नहीं देखा अभी। मैंने भी नहीं देखा आज तक। ये देखो इधर कितना बारिश हुआ है यार। आगे रास्ता शायद थोड़ा कंजेस्टेड है या बहुत बहुत शार्प टर्न है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज हम एक स्पेशल जगह पे आए। ये है शारजा में कोर फक्कन, राइट। और उसके ऊपर हिल टॉप पे एक व्यूइंग पॉइंट बना है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी आया, आप उधर देख सकते हो। तो बहुत दिनों से हम देख रहे थे इंस्टाग्राम रील्स पे, या फिर छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स हैं वो लोग आते हैं, कभी कभी छोटा रील बनाते हैं डालते हैं। तो हम भी सोच रहे थे कब आए, आज आए। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के अंदर से आए। बारिश हो रहा था जो इन्जॉय किए, बहुत ज़्यादा सैंडस्टॉर्म हो रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था, सोच रहे थे कि जाए कि ना जाए। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए और हम इस जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अभी। आप भी चलिए हमारे साथ और एक्सप्लोर करिए, और डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, ओके। अचानक से इधर का रोड इतना, मतलब फॉगी नहीं बोलूंगी लेकिन लगता है कि बारिश होगा, ऐसे हो गया देखो, है ना। वी आर एक्सपेक्टिंग सम रेन्स, इट विल बी ग्रेट। एक साल से ऊपर हो गया कि बारिश देखे हुए, थोड़ा बारिश हो जाए तो खुशी अच्छा होंगे। अच्छा होगा। हाँ, ड्राइव करने के लिए थोड़ा तकलीफ होगा पर एंजॉय करेंगे, रेन एंजॉय करेंगे। यस। ए, इधर बारिश हो गया लगता है ऑलरेडी, कुछ कुछ जगह पे भीगा लग रहा है। आई डोंट नो, शायद आगे बारिश होने वाला है। अगर बारिश होगा ना तो बहुत मस्त आएगा, है ना। एक साल के ऊपर हो गए बारिश देखे हुए तो हाँ, फिर भी ये खोर फक्कन, फुजेरा, शारजा, इस जगह पे फिर भी बारिश होता है। दुबई में तो बिल्कुल नहीं होता। ओह माय गॉड, ये बारिश है या फिर सैंडस्टॉर्म है? सैंडस्टॉर्म है, गाड़ी को इधर उधर धक्का मार रहा है मालूम है। हाँ, थोड़ा स्लोली चलो, स्लोली जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा सैंडस्टॉर्म है। कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना हमें खुले आंखों में दिख रहा है। गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रहा है, गाड़ी कंट्रोल इधर उधर धक्का मार रहा है गाड़ी को। ये देखो आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। सी शिट, इतना ज्यादा सैंडस्टॉर्म तो मैंने लाइफ में नहीं देखा अभी। मैंने भी नहीं देखा, 4 साल हो गए मुझे दुबई में, मतलब यूएई में, मैंने इतना सैंडस्टॉर्म कभी नहीं देखा कुछ भी। ओह माय गॉड, पता है आवाज कैसे आ रहा है, जैसे पत्थर मार रहा है गाड़ी में कोई। बारिश होगा शायद, इसलिए आसमान में इतना डार्क जैसा दिख रहा है। पर अभी समझ में आ रहा है क्यों इतना डार्क दिख रहा था। ये पूरा सैंडस्टॉर्म चल रहा है इधर, इतना सैंडस्टॉर्म, क्योंकि ये पूरा डेजर्ट एरिया है ना, इधर और कुछ नहीं है। देखो दूर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ डेजर्ट मिलेगा। ये पूरा डेजर्ट एरिया है, ये मतलब एंजॉयमेंट भी हो रहा है और डर भी लग रहा है कि फर्स्ट टाइम देखो इतना सैंडस्टॉर्म में मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आगे देखो आगे। Honestly speaking, मैं भी बैठ के समझ सकती हूँ कि गाड़ी को कितना जोर से धक्का लग रहा है, क्योंकि गाड़ी एक बार इस तरफ जा रहा है तो एक बार उस तरफ जा रहा है। बारिश हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हमें कितना
अफसोस होता है। हाँ, कितना बुरा लगता है यार कि हमने एक साल से ऊपर हो गया बारिश देखा ही नहीं। बारिश हो रहा है फिर भी सैंडस्टॉर्म हो रहा है। पहाड़ी रास्ता पार करके आप आओगे, फिर थोड़ा सिटी में एंटर होना पड़ेगा, कोरपक्कम सिटी में। उसके बाद फिर से एक सेपरेट रोड जाते हैं, जो जगह हम लोग जा रहे हैं ना, इसका नाम है अल सुहूब रेस्ट हाउस। तो देखते हैं वहाँ तक 4x4 गाड़ी जाने लायक रास्ता है या कोई भी गाड़ी जाने लायक रास्ता है। चेक पोस्ट जैसा भी है, मास्क लगा लेते हैं हम, बेटर होगा।
20 दिरहम का है, पर कितने आवर्स का है पता नहीं, लेट मी चेक। एंट्री टू पार्किंग टिकट, बट इधर तो अच्छा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, शायद देखने पर बाद में समझ में आएगा या फिर ऊपर जाके हमें समझ में आएगा, पता नहीं। तो इधर भी बारिश हुआ है, रोड देख सकते हो आप, भीगा है रोड, पर ये बहुत ऊपर, बहुत चढ़ाई करना पड़ रहा है, कान तो पूरा बंद हो गया है, गाड़ी का फट रहा है। हाँ बेचारा गाड़ी हमारा, पर ये है तो बहुत ऊपर, रेस्ट एरिया 130 meters। ये कुछ इंटरनेशनल रूल्स है, जब आप पहाड़ पे चढ़ाई करते हो तो अगर डबल डबल लेन का जगह नहीं है तो चढ़ाई करने वाला लेन दो होता है और नीचे आने वाला लेन एक होता है। तो हमने रसल खैमा पे भी नोटिस किया था और यहाँ पे भी नोटिस कर रहे हैं। और ऊपर चढ़ाई करने के लिए दो लेन है पर उतरने के लिए सिर्फ एक ही लेन है, आप भी देख सकते हो, दिख रहा है अच्छे से, बहुत शार्प मतलब ये टर्न है और मतलब खराई भी है बहुत ज्यादा। हाँ इतना शार्प शायद हमने कभी देखा ही नहीं, रसल खैमा पे भी इतना शार्प नहीं था। ये देखो समझ में आ रहा है कितना शार्प है ये, सब स्पोर्ट्स कार लेके आ रहे हैं, हम लोग कटारा कार लेके आ गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, मतलब हमें जाने से मतलब है, घूमने से मतलब है। सेम टू सेम इन लोगों ने मतलब क्या बोलते हैं, रसल खैमा का जो जेस माउंटेन है ना, उनको कॉपी करके बनाए हैं पूरा बारबेक्यू एरिया, रेस्ट एरिया। देखो इलेक्ट्रिक केबल कैसे लगे, एग्जैक्टली आपको पूरा इलेक्ट्रिक केबल दिख रहा होगा, पर आज आसमान इतना साफ तो नहीं है क्योंकि बारिश हुआ है अभी, पर बहुत खूबसूरत दिख रहा है, वो जो क्लाउड्स है ना बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा इस तरफ का भी व्यू दिखा देती हूँ, इधर समुंदर है, पहुंच गए, पर विजिबिलिटी इतना भी क्लीन नहीं है, आज बारिश हुआ है और ऊपर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है तो इसलिए इतना अच्छा भी नहीं लग रहा। जगह इतना फेमस क्यों बन गया, ये जो व्यू है ना कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम टेलिंग यू, आज विजिबिलिटी भी पुअर है, आज विजिबिलिटी भी इतना क्लीन नहीं है, बट ट्रस्ट मी खुले आंखों में इतना अच्छा लग रहा है ना ये जगह, सच्ची में इसीलिए इतना पॉपुलर है, इतना फेमस है ये जगह। यूएई में तो आपको ये जगह आना ही चाहिए डेफिनेटली, अगर आप, और पता है एक अच्छी चीज ये है कि जो सिटी टूर बसेस है ना वो कुछ कंपनी, शायद क्योंकि मैंने एक ही कंपनी का बस देखा, शारजा गवर्नमेंट का बस देखा जो जिसमें लिखा हुआ है सिटी टूर, जो गवर्नमेंट है ना उन लोगों ने कुछ बसेस प्रोवाइड किए हुए हैं जो सिटी टूर बोल के वो बस इधर तक आते हैं शारजा से, यू नो, तो बस स्टॉप भी है इधर,
ये बस पूरा एकदम सिटी से पिकअप करेगा, इधर ड्रॉप करेगा, घूमने के बाद फिर इधर से पिकअप करके फिर सिटी में ड्रॉप कर देगा। तो अगर आप दुबई घूमने आए हो और शारजा में आए, उधर से आप ये बस में आ सकते हो। बिल्डिंग का जो शेप है ना, एकदम बिल्कुल एलियन स्पेसशिप जैसा डिज़ाइन में बना है, तो वो भी अच्छा लग रहा है। पेमेंट करने के लिए ये क्या बोलते हैं इसको, टोल गेट टाइप, यू नो। तो उधर ये टिकट देना पड़ेगा और उसके साथ पता नहीं 10 दिरहम या 20 दिरहम, पता नहीं, तो वो हम देंगे, फिर पता चलेगा कि कितना है। तो सिर्फ 10 दिरहम लिया। एक्चुअली हमें पता था, हमने देख लिया था ऑलरेडी, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि वीकेंड्स में 20 दिरहम और वीकडेज में 10 दिरहम। तो यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छे हैं, वो लोग अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, ट्रीट करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं, हो गया घूमना, थक गए हैं। बाहर ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा है, हमने सोचा भी नहीं था कि इतना ह्यूमिडिटी होगा बोल के। ये बहुत ही हाइट एरिया है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा हाइट एरिया है। अलेन में जो अलेन माउंटेन जो है ना अबू धाबी में, वो अलेन माउंटेन के तरह ही हाइट होगा, है ना, अलेन माउंटेन की तरह हाइट होगा। तो हमें लगा था कि ऊपर ह्यूमिडिटी इतना नहीं होगा, ठंड होगा, पर माय गॉड इतना ह्यूमिडिटी है, मत पूछो। तो लौटते वक्त हमें वही वाला ऑडिटोरियम मिल गया, इसका वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। पर जाते वक्त हमें फिर से दिखा तो हम रुक गए थोड़ी देर, पर आपको ये वाटर फाउंटेन भी दिखा देंगे। अगर आपने हमारे चैनल में नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो, हमने पहले भी अपने चैनल पे ये अपलोड किया हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक देके ज़रूर जाइए।